हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अभियंता क्लासेस। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अभियंता क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं BTSC JEE के बारे में, यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन, जो जूनियर इंजीनियर के पद पर 6379 वैकेंसी आई थी, जिसमें 6379 पोस्ट थे, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद थे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है, 2019 पास आउट एलिजिबल है या नहीं। काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि क्या 2019 एलिजिबल हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कि कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग, मतलब कितने टाइम्स कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे कि क्या BTSC JEE में फेक कैंडिडेट भी अप्लाई किए हैं। इसका फुल डिटेल हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और एक बात बताना चाहता हूं कि अगर हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज आता है आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड कराया जाता है। तो चलिए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए, फर्स्ट में कहता है कि टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि टोटल जो वैकेंसी था BTSC JEE के लिए 6379 पोस्ट था, जिसमें कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के पद था। तो यहाँ पर बता देता हूँ कि टोटल जो BTSC JEE में फॉर्म फिलअप हुआ है, 91,000 के आसपास में फॉर्म फिलअप हुआ है, जिसमें कि सबसे ज़्यादा जो सिविल की पोस्ट थी 5800 समथिंग था, उसमें 91,000 में टोटल लगभग 40 से 45,000 के आसपास में सिविल ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई किए हैं, 40 से 45,000 के आसपास में। तो ये आपका डाटा ये है। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि क्या 2019 पास आउट एलिजिबल है। तो आप सभी को बता दूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब BTSC JEE का जो फॉर्म रीओपन हुआ था 2020 के फर्स्ट में रीओपन हुआ था, तो वहाँ पर मेंशन था, पहले तो कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला गया था केस एज को लेकर, उसके बाद जो अप्लाई हो रहा था उसको रोक दिया गया था। फिर जो रीओपन हुआ था, तो रीओपन हुआ था तो उसमें लिखा गया था कि जिसका एज, नोटिफिकेशन में ही लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन बाद में चेंज नहीं हुआ, लिखा हुआ था कि जिसका एज 1/8/2018 को 18 वर्ष पूरा हो जाता है वो कैंडिडेट एलिजिबल है, या वो कैंडिडेट 2018 का पास आउट हो या 2019 का पास आउट हो। इसमें बताया गया था कि आज तक, अभी तक, मतलब जितना पास आउट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बताता हूं कि 2019 जो पास आउट एलिजिबल वाला जो क्वेश्चन आ रहा था, काफ़ी सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि क्या 2019 पास आउट एलिजिबल है। तो आप सबको बता दूँ कि 2019 पास आउट एलिजिबल है। उसके बाद बात करते हैं कि कैंडिडेट कॉल फॉर काउंसलिंग, कितने टाइम्स कैंडिडेट को काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने 1.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया है। तो उम्मीद करता हूं कि BTSC JEE भी 1.5 से 2 गुना कैंडिडेट को काउंसलिंग के लिए कॉल करेगा, काउंसलिंग के लिए बुलाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं फेक कैंडिडेट के लिए कि क्या BTSC JEE में भी फेक कैंडिडेट अप्लाई किया है। तो जी हाँ, BTSC JEE में भी फेक कैंडिडेट अप्लाई किए हैं बहुत सारा। तो जिसके पास डिप्लोमा का डिग्री भी नहीं है, जिसके पास डिप्लोमा का डिग्री भी नहीं है, वो भी अप्लाई कर दिए हैं इस फॉर्म को, और बहुत सारे फेक यूनिवर्सिटी से भी अप्लाई कर दिए हैं, जो कि काउंसलिंग के समय छाटा जाएगा। और हम ये कहते हैं कि जो BTSC JEE का काउंसलिंग हो वो पटना हाई कोर्ट के देख रेख में होना चाहिए, मेरा ये कहना है। आपको क्या कहना है, आप भी राय दीजिए, कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि सबको ये वाला क्वेश्चन जो है पता चल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।